नमस्कार, मैं हृंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। लगातार मैं दिखा रहा हूं आपको, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। आज भी उसी क्रम में मैं आपको एक आदर्श सेंटर के सामने खड़ा हूं। त्रिवेणीगंज का ये आदर्श सेंटर है, ये अनुपलाल यादव महाविद्यालय का प्रांगण है। आप और इस प्रांगण को आदर्श सेंटर बनाया गया है। बाकी मैं यहाँ क्यों कवरेज कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं, यहाँ कवरेज करने का एक रीजन है क्योंकि ये अनुपलाल कॉलेज है और अनुपलाल कॉलेज के सामने से एक रोड जाती है जो सीधा सीधी चली जाती है मछा के तरफ, और एक रोड मेला ग्राउंड से होते हुए जो मेन रोड को अटैच करता है, एक ये रोड है। कैमरामैन से आपको मैं विजुअल्स में दिखा दूंगा। एक ये रोड है, जैसा कि आप गाड़ी आता हुआ देखते होंगे, ये गाड़ी सीधी आती है और सीधा इधर जाता है और इधर से भी गाड़ी आता है, तो समझ सकते हैं आप। जब बच्चे क्योंकि यहाँ के लोकल बच्चे नहीं है, कुछ बाहर से भी बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो उनको इतना अनुभव नहीं है। वो जब इधर से आते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, और आज ऐसा ही हुआ कि आदर्श सेंटर के जस्ट सामने में एक बच्ची को कोई पिकअप वाला मार कर चला जाता है। उसका लड़की का पैर टूट जाता है और पैर टूट जाता है और माथे में चोट भी लग जाती है। तो ये है यहाँ का सच्चाई। मैं आपको बता दूं कि ये आदर्श सेंटर जब इसको कहा जाता है तो इसके इधर भी और उधर भी एक बैरियर देना चाहिए। मैं यहाँ के प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, अगर यहाँ और वहाँ एक बैरियर दिया जाए तो यहाँ के जो बच्चे, यहाँ जो तेज स्पीड में जो गाड़ी आती है तो वो शायद रुक जाए, धीरे से आएगी तो शायद एक्सीडेंट कम होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, गार्जियन भी शायद उनके आसपास है, तो मैं उनसे भी बात करके आपको दिखाता हूँ। शिवेंद्र कुमार यादव, हाँ, एक चीज बताइए, क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ? गाड़ी उधर से आ रही थी लड़की, ठीक है, यहाँ रुकी उतरने के लिए, इधर से गाड़ी जा रही थी, बस उसको मार दिया ठोकर, चलते निकल। क्या हुआ लड़की को? लड़की का पैर टूट गया, पूरा टूट गया है, यहाँ चोट है, थोड़ा यहाँ भी चोट है, यहाँ भी चोट लगा है। एसडीओ साहब कोई विकल्प निकाले वो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात, दुर्घटना तो हुई। ये जो ट्रैक्टर आता है यहाँ से, जो पिकअप गाड़ी जो तेज स्पीड में आता है, उसका क्या होगा? उसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसे जब आदर्श सेंटर आपने बनाया है तो सिर्फ अंदर आदर्श सेंटर बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके बाहर भी आपको वो सुविधा देनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको उसका भी बयान दिखाऊंगा। बाकी मैं हूं केस, आप देख रहे थे असम न्यूज लाइव, धन्यवाद। कैसे हुआ? एग्जाम देते वक्त जो है ना, जा रही थी, पिकअप वाला आया पीछे से, छूट गया। एग्जाम देने कहाँ जा रही थी? जनरल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज जा रही थी। रोड एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे? अनुपलाल कॉलेज के पास, वही ठोकर मारा है। कौन ठोकर मारा? पिकअप वाला। कहाँ के रहने वाली? गमरिया। इसका रोल कोड कितना है? रोल कोड 22,117। कितना है? 22,117। आप कौन हैं? इसके सिस्टर हैं। तो यहाँ किसके यहाँ रह रहे थे? ये अपने फुआ के यहाँ रह रही थी, लतोना में। फुआ के यहाँ रह करके एग्जाम देती थी? हाँ।